हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे 1 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है, जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को लो जो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में 2 LPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रहों ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित, डेविड आयरा द्वारा निर्गमित, बॉबी यू मेरा, जेफरी सिल्वर अभिनित, डेंजेल वाशिंगटन, हॉलीवुड कलाकार इनन हक, स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस, डॉक्टर डे स्नूप डॉग, छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित, कान राड वफ, संगीत दिया है मार्क्स मेंसीना, उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड सो पिक्चर्स, डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित, बार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001। वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। बार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन
डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरि के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है, जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका
द्वारा लिखित डेविड आयरा द्वारा निर्गमित बॉबी यू मेरा जेफरी सिल्वर अभिनीत डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार ईनन हक स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस डॉक्टर डे स्नूप डॉग छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित कॉनराड वफ संगीत दिया है मार्क मेंसिना उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड सो पिक्चर्स डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित बार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001 वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 45 मिलियन बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक
होयट पदो त्री के लिए तैयार है और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित डेविड आयरा द्वारा निर्गमित बॉबी यू मेरा जेफरी सिल्वर अभिनित डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार इनन हक स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस डॉक्टर डे स्नूप डॉग छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित कान राड बफ संगीत दिया है मार्क्स मेंसीना। उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित बार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001। वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसे
जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के गृहग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक
एंटोनी फुक्वा द्वारा लिखित, डेविड आयरा द्वारा निर्गमित, बॉबी यू मेरा, जेफरी सिल्वर अभिनीत, डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार, इनन हक, स्टॉक ग्लेन, क्लिफ कर्टिस, डॉक्टर डे, स्नूप डॉग, छायाकान, मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित, कॉनराड वफ, संगीत दिया है मार्क मेंसिना, उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स, डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001, वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 122 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 45 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी
LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मदक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित डेविड आयरा द्वारा निर्गमित बॉबी यू मेरा जेफरी सिल्वर अभिनीत डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार इनन हक स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस डॉक्टर डे स्नूप डॉग छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित कॉनराड वफ संगीत दिया है मार्क मेंसीना। उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001। वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता
थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविज़न श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीज़न के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओ लो जो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालो में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारी जून आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है, जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओ लो जो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजिल्स के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉकलेन क्लिफ कार्स्टिक्स, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में
हैं। निर्देशक एंटोनी फुवक्का द्वारा लिखित, डेविड आयरा द्वारा निर्गमित, बॉबी यू मेरा, जेफरी सिल्वर अभिनीत, डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार, ईनन हक, स्टॉक ग्लेन, क्लिफ कर्टिस, डॉक्टर डे, स्नूप डॉग, छायाकान, मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित, कॉनराड वफ, संगीत दिया है मार्क्स मेंसिना, उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स, डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001, वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 122 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 45 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा 2 अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा
है महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारीजून आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित डेविड आयरा द्वारा निर्गमित बॉबी यू मेरा जेफरी सिल्वर अभिनित डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार इनन हक स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस डॉक्टर डे स्नूप डॉग छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित कान राड वफ संगीत दिया है मार्क्स मेंसीना। उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001। वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की। लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक
व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरि के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है, जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे
भी सहायक भूमिका में है। निर्देशक एंटोनी फुक्वा द्वारा लिखित, डेविड आयरा द्वारा निर्गमित, बॉबी यू मेरा, जेफरी सिल्वर अभिनीत, डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार, ईनन हक, स्टॉक ग्लेन, क्लिफ कर्टिस, डॉक्टर डे, स्नूप डॉग, छायाकान, मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित, कॉनराड वफ, संगीत दिया है मार्क मेंसिना, उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स, डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित, बार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001, वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 122 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 45 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में एस 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा
विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरि के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित डेविड आयरा द्वारा निर्गमित बॉबी यू मेरा जेफरी सिल्वर अभिनित डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार ईनन हक स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस डॉक्टर डे स्नूप डॉग छायाकान मोरोग फ्लोरी द्वारा संपादित कॉनराड बफ संगीत दिया है मार्क मेंसिना। उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001। वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित
थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप
डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुक्वा द्वारा लिखित डेविड आयरा द्वारा निर्गमित बॉबी यू मेरा जेफरी सिल्वर अभिनीत डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार इनन हक स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस डॉक्टर डे स्नूप डॉग छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित कान राड वफ संगीत दिया है मार्क्स मेंसीना उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड सो पिक्चर्स डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित बार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001 वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 45 मिलियन बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीविकल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी क्योंकि वर्तमान में वार्नर
ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरि के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित डेविड आयरा द्वारा निर्गमित बॉबी यू मेरा जेफरी सिल्वर अभिनीत डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार इनन हक स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस डॉक्टर डे स्नूप डॉग छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित कॉनराड बफ संगीत दिया है मार्क मेंसीना। उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001। वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन
पट कथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को जून आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है, जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ
कार्स्टिक्स, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवक्का द्वारा लिखित, डेविड आयरा द्वारा निर्गमित, बॉबी यू मेरा, जेफरी सिल्वर अभिनीत, डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार, ईनन हक, स्टॉक ग्लेन, क्लिफ कर्टिस, डॉक्टर डे, स्नूप डॉग, छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित, कान राड बफ, संगीत दिया है मार्क मेंसिना, उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड सो पिक्चर्स, डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001, वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 122 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 45 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीविकल की घोषणा 2 अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि
वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित डेविड आयरा द्वारा निर्गमित बॉबी यू मेरा जेफरी सिल्वर अभिनीत डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार इनन हक स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस डॉक्टर डे स्नूप डॉग छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित कान राड वफ संगीत दिया है मार्क्स मेंसीना। उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड सो पिक्चर्स डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001। वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की
प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविज़न श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरि के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है, जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में
इसमें स्टॉक ग्लेन, क्लिफ कार्स्टिक्स, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित, डेविड आयरा द्वारा निर्गमित, बॉबी यू मेरा, जेफरी सिल्वर अभिनीत, डेंजेल वाशिंगटन हॉलीवुड कलाकार, इनन हक, स्टॉक ग्लेन, क्लिफ कर्टिस, डॉक्टर डे, स्नूप डॉग, छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित, कॉनराड वफ, संगीत दिया है मार्क मेंसीना, उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स, डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001, वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 122 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 45 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीक्वल की घोषणा अक्टूबर 2019
में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को जून आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रशिक्षण दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेनिंग डे एक 2001 की अमरीकी क्रमिक थ्रिलर फिल्म है, जो एंटोनी फुवा द्वारा निर्देशित और डेविड आयरा द्वारा लिखित है। यह डेंजल वाशिंगटन को ओलोजो हैरिस के रूप में और एंथन हॉक को जैक होटर के रूप में दो LAPD नशीले पदार्थों के अधिकारियों के रूप में वेस्ट लेक इको पार्क और दक्षिण मध्य लॉस एंजेलिस के ग्रस्त इलाकों में 24 घंटे की अवधि में इसमें स्टॉक ग्लेन क्लिफ कार्टिक्स डॉक्टर ड्रे स्नूप डांग और मेसी ग्रे भी सहायक भूमिका में हैं। निर्देशक एंटोनी फुवका द्वारा लिखित, डेविड आयरा द्वारा निर्गमित, बॉबी यू मेरा, जेफरी सिल्वर अभिनित, डेंजेल वाशिंगटन, हॉलीवुड कलाकार इनन हक, स्टॉक ग्लेन क्लिफ कर्टिस, डॉक्टर डे स्नूप डॉग, छायाकान मोरोग फ्लो ओरी द्वारा संपादित, कान राड बफ, संगीत दिया है मार्क मेंसीना। उत्पादन कंपनियां बी लेज रोड शो पिक्चर्स, डाकू प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 2 सितंबर 2001। वेनिस फिल्म समारोह 5 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 104.9 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 5 अक्टूबर 2001 को प्रशिक्षण दिवस जारी किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने वाशिंगटन और हॉक के
प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा पर विभाजित थे। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने 45 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 104 मिलियन की कमाई की। फिल्म को कई प्रशंसा और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वाशिंगटन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और हॉक को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया। जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित फिल्म पर आधारित एक टेलीविज़न श्रृंखला की घोषणा अगस्त 2015 में की गई थी और इसका प्रीमियम 2 फरवरी 2017 को CBS पर हुआ था, लेकिन एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। एक युवा ओलोजो हैरिस के बारे में एक प्रीविकल की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, क्योंकि वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा विकास किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी LAPD अधिकारी जैक होयट पदोत्तरी के लिए तैयार हैं और उन्हें एक दिन के मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक सजा गए मादक पदार्थ अधिकारी डिटेक्टिव ओलोजो हैरिस को सौंपा गया है। ओलोजो के मोटे कालों में घूमते हुए वे दिन की शुरुआत कुछ कॉलेज के बच्चों को मारिजुआना आना खरीदते हुए पकड़ते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।